everybody, welcome back to my channel and I am here after a long time. काफ़ी time से ना मेरे shorts video आ रहे थे ना मेरे long video आ रहे थे. Finally मैंने सोचा चलो एक video post कर ही देते हैं. Nykaa पे चल रही है Pink Friday sale. जैसे कि आप लोग को पता होगा sale has started from 19th of July and it's going to end on 28th of July. और Nykaa पे sale तो चलती रहती हैं. ये मैंने फर्स्ट टाइम पिंक फ्राइडे सेल से कुछ चीज़ें परचेज की हैं और ये मेरे चैनल पे फर्स्ट Nykaa पिंक फ्राइडे सेल रिकमेंडेशन हॉल होने वाला है. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी. अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा. चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. गाइस ये वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बिना फ़ैन ऑन के वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैंने फ़ैन को ऑन रखा है. ओके, तो मैंने बहुत सारे मेकअप और बहुत सारे स्किन केयर बॉडी केयर प्रोडक्ट परचेज किए हैं. सबसे पहले मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं. पहले मैंने ये स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट आई शेडो परचेज किया है. दिस इज इन द शेड 01 स्लो डेज. 10 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और स्विस ब्यूटी में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं. मैं आपको साइड पे स्क्रीन दिखा दूंगी कौन से ब्रांड पे कितने परसेंट का ऑफ चल रहा है. और Nykaa पे फ्राइडे सेल पे ना लूट मचती है गाइस. अच्छे अच्छे ब्रांड पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं, अच्छा अच्छा डिस्काउंट होता है. तो ये कुछ इस तरीके का पैलेट है. ट्रस्ट मी गाइस, द कलर्स आर सो ब्यूटिफुल. आई एम इन लव विद दिस पैलेट. मेरे भाई की शादी होने वाली है तो एंड ऑफकोर्स आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर तो मुझे आई शेडो पैलेट की ज़रूरत पड़ती रहती है. तो मैंने ये देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, बहुत ही क्लासी है और इसका प्राइस मैं इसमें मेंशन नहीं करूँगी. लिंक आपको सारे प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप डिस्काउंट प्राइसेस जाके देख सकते हो. हालांकि इसकी जो MRP है वो 400 के ऊपर की है. सो, ये कुछ यहाँ से इस तरीके से ओपन होता है. इसके साथ आपको कोई ब्रश वगैरह नहीं मिलता है. ये स्विस ब्यूटी के सेलेक्ट रेंज से है. इसमें 12 कलर्स आपको मिल जाते हैं. इसमें एक और शेड आता है उसमें सारे के सारे बोल्ड शेड्स हैं मगर जो इसमें सारे के सारे न्यूड शेड्स हैं. मुझे न्यूड शेड्स बहुत पसंद हैं, लिपस्टिक में भी, आई शेडो पैलेट में भी. आप देख सकते हैं इसके कलर्स. अब मैं आपको इसका स्वैच करके दिखाती हूँ. मैंने इसकी पिगमेंटेशन टेस्ट नहीं की है. चलिए आपके सामने टेस्ट कर लेती हूँ. कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स जो हैं वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ. लुक एट द पिगमेंटेशन गाइस, लुक एट द पिगमेंटेशन. मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था और इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है. इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे लुक्स. आप इसमें स्मोकी एंड ग्लिटरी सारे लुक आप इसमें क्रिएट कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए. आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. उसके साथ मुझे ना स्विस ब्यूटी का एक मिनी यू नो होल्ड मी मैट लिक्विड लिपस्टिक जो है ये मुझे फ्री आया है. इट्स मिनी साइज. तो ये जो शेड है दिस शेड इज स्क्वीज मी पिंक एंड इट्स अ वेरी प्रिटी शेड. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगी ना तो ये मुझे यू नो वॉश ऑफ कर देगा. हालांकि ये जो लिपस्टिक रेंज है स्विस ब्यूटी की ये काफ़ी ज़्यादा यू नो सोशल मीडिया पे छाई हुई है. जब लॉन्च हुई थी तब भी छाई हुई थी. तो ये मिनी साइज में मुझे मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. इसके साथ फ्री आई है. लुक एट द पैकेजिंग गाइज, लुक एट द मेटल कैप एंड इट्स ब्यूटिफुल. मैं आपको इसका स्वैच दिखाती हूँ. यहाँ पर इसका स्वैच कैसा है. ऐसे मुझे तो लग रहा है कि ये ना मुझे वॉश करेगा. अगर आप यू नो फेयर स्किन टोन के हो तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा. वेट इशू तो बहुत ही अच्छा लगेगा बट मुझ पे ये थोड़ा सा वॉश ऑफ करेगा. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दूँगी. वो मुझसे बहुत ज़्यादा फेयर है तो उस पर तो ये बहुत बहुत अच्छे से जाएगा. तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है गाइस. इसके बारे में बहुत सुना है मैंने इसको. हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है इस रेंज की किसी भी लिपस्टिक को. मैंने ट्राई नहीं किया है तो इसका मैं ट्राई एंड टेस्ट करूँगी कितने देर तक ये स्टे करता है और लिप्स पे कैसा लगता है लगाने के बाद. तो वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स के 4 लिप शेड्स जिसमें ना ये न्यू लॉन्च हैं. ओके, तो दीज आर इनसाइड स्मज नो स्मज लिप कलर इन मुस्क फॉर्म.
ये न्यू लॉन्च है इनसाइड कॉस्मेटिक्स के और इनको चार ब्यूटीफुल शेड्स में मैंने परचेज किया है. सो इनका भी जो प्राइस है वो आई गेस वेट होल्ड ऑन इसका प्राइस है 370 rupees, बट ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मुझे मिल गया था. ये मुस्क फॉर्म में आते हैं ये सारे लिपस्टिक्स एंड मैं आपको एक शेड दिखाती हूँ, बाकी सारे शेड्स आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएंगे. तो ये है मालदीव्स. लुक एट द पैकेजिंग गाइस, द होलोग्राफिक पैकेजिंग, माय गॉड, दिस इज लुकिंग सो लक्स. तो इन सारे सारे लिपस्टिक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ. इन सब का स्वाचेस जो हैं वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे. तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शेड्स हैं. तो मैं आपको चारों को स्वाच करके हैंड स्वाच दिखा देती हूँ, बाकी डिटेल आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हम स्वाच करते हैं, दिस इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स मालदीव्स. ओके, सो दिस इज द, मैं यहाँ पे स्वाच करती हूँ. लुक एट द कलर, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल. Isn't it beautiful? It is beautiful. Okay. So next is Bali. सारे जगहों के नाम हैं, like other other countries के भी. ये है, this is in Mux form. This is also in nude shade, a big bit, lighter or darker something. Okay. So next is Dominican Republic. काफ़ी लंबा नाम है, मैं कन्फ्यूज हो गई. ओके, सो दिस इज द शेड, दिस इज द शेड. वाओ, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल गाइज, इट्स ब्यूटिफुल. आई मीन इतने प्यारे प्यारे शेड्स. नेक्स्ट इज मॉरिशियस. ओके, सो दिस शेड इज अ बिट डार्कर आई गेस. या इट्स अ मॉव डार्कर पिंक शेड. कैमरे में थोड़ा लाइट दिख रहा है बट इट्स अ मॉव डार्कर पिंक शेड. सो दीज आर द शेड्स और आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हैं. ये है कॉन्टेंट क्रिएटर बनने का नतीजा. ओके, सो दीज आर द शेड्स. शेड्स आर वेरी 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 ब्यूटिफुल. इनको मैंने भी ट्राई एंड टेस्ट तो नहीं किया, मैं ट्राई टेस्ट करूँगी कैसे हैं ये, इनका फॉर्मूला कैसा है, कितना देर तक ये आपके फोटो पर टिकता है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे. अभी फ़िलहाल मुझे ना इनसाइट के ये चार लिपस्टिक जो मैंने परचेज किए उसके साथ मुझे ये फ्री आया है. ये है इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स नॉन ट्रांसफ़र लिक्विड लिपस्टिक. ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था इनसाइट का, तो उसमें से एक शेड इन्होंने मुझे फ्री दिया है जो कि फुल साइज में है. ओके, सो दिस इज़ इन द शेड मैडली मजेंडा. ओके, सो दिस इज़ इन इन द शेड मजेंडा. मजेंडा लिपस्टिक्स मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई. तो दिस इज़ द लिपस्टिक और ये कलर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे सूट नहीं करता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है. सो इसका जो शेड है कुछ, माय गॉड, इट्स वेरी मजेंडा. लुक एट द कलर. तो ये कलर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ. सो इसको भी मैं मे बी किसी को गिफ्ट कर दूंगी जो ये कलर अगर पसंद करता है या यूज़ करता है तो ये यूज़ कर लेगा. चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, चीज़ें वेस्ट करने के लिए नहीं होती हैं, टेस्ट करने के लिए होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉट एन की का ग्लॉस बॉस लिप बाम विटामिन सी प्लस ई एसपीएफ 30 के साथ. ये जो न्यू पैकेजिंग आई है ना इसकी, ये वो वाली मैंने परचेज की. दिस इज इन द शेड चेरी पॉप और ये बहुत अच्छा लिप बाम है गाइस. मैं हमेशा से इसको यूज़ कर रही हूँ, जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ. इसकी जो पहले की पैकेजिंग आती थी जो उस तरीके से खुलती थी, वो मैंने उसका रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, मुझे यहाँ बहुत खुजली हो रही है, प्लीज़ इग्नोर. ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है एंड इसका भी शेड बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा एक प्रिंटेड लिप बाम है ये. तो दिस इज़ द शेड चेरी पॉप. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग लिप बाम है गाइस, आपके लिप्स को इतने अच्छे से ये मॉइस्चराइज करता है ना और इतना अच्छा कलर छोड़ता है आपके लिप्स पे. और एस पी एफ 30 भी है तो बहुत ही अच्छा सन प्रोटेक्शन भी देता है ये. डॉट एन टी के प्रोडक्ट्स वैसे भी अच्छे होते हैं, मैंने ट्राई किया है. ओके, नेक्स्ट द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट इज बेला वीटा सी ई ओ वुमन ईयू द परफ्यूम.
इन 100 ml पैकेजिंग। ये मेरी सेकेंड पैकेजिंग है, इसको मैंने पहले भी परचेज किया हुआ, इसको मैंने स्टॉकिंग किया है। इसकी खुशबू मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। इसका मैंने रिव्यू कर रखा अपने चैनल पे। इसका एक और वेरिएंट आता है सेनोरिटा, वो आप ज़रूर ट्राई करना। उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इससे भी ज़्यादा लक्स है। ये तो बहुत लग्जरी परफ्यूम है, बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, मगर जो सेनोरिटा वेरिएंट है ना उसका, वो भी बहुत अच्छा है। उसकी स्मॉल पैकेजिंग मैंने कभी यूज़ की थी पर मुझे वो मिल नहीं रही है कहीं। आई थिंक मैंने नायका पे भी चेक नहीं किया है, बट मैं उसको भी स्टॉकिंग करूँगी। तो मैंने फ़िलहाल इसको स्टॉकिंग किया, ये मुझे दिख गई तो मैंने इसको स्टॉकिंग कर लिया। ये भी बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है गाइस, बहुत ही लक्स स्मेल करते हो और काफ़ी देर तक ये आपके ना कपड़ों पर टिकती है, तो ये बहुत अच्छा है। इसकी स्मॉल वेरियंट भी आती है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट सेनोरिटा वाला ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ओके, नेक्स्ट इज अगेन वैसलीन न्यू लॉन्च प्रोडक्ट विच इज़ ग्लूटाहाया ओवर रेडियंस सेरम इन लोशन। इसको मैंने स्टॉकिंग किया है, इसकी पहली पैकेजिंग का रिव्यू मैंने कर रखा है, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। इसको मैंने स्टॉकिंग किया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है गाइस। आई मीन इसका ना जो फॉर्मूला है ऑयली स्किन के लिए, समर्स के लिए बेस्ट है। यू नो, आप इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको सिर्फ अपने बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, तो बॉडी को भी हाइड्रेशन देने के लिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ द टेक्सचर, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। सो कहाँ पे अपनी, ये बिल्कुल पानी है, बिल्कुल पानी है। आई मीन एकदम से यू नो स्किन में चला जाएगा, स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई ग्लॉसी हाइड्रेटेड फील होती है। समर्स के लिए बेस्ट है, मॉनसून वेदर के लिए बेस्ट है, विंटर्स के लिए अच्छी नहीं है ये, क्योंकि विंटर्स में हमें थिक क्रीम चाहिए होती है, थिक बॉडी लोशन चाहिए होते हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल पानी है गाइस, बिल्कुल पानी है। तो मेरी स्किन ऑयली है, मुझे पसीने भी थोड़े बहुत आते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ही एक्साइटेड हो, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है। सो ये काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ग्लोई बनाता है, आपकी स्किन के डलनेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एमिनो पेप्टाइड के साथ आता है। इसका प्राइस है 360 rupees, बट ये अभी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा गाइस। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बॉडी ऑयली रहती है, और ये रात में अप्लाई करने का ओवरनाइट लोशन है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, एक बार ट्राई करना तो बनता है, ड्राई स्किन वाले इससे दूर रहना। ओके ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम एक्वालॉजिका, इसको मैंने बाय किया है। दिस इज 5 barrier plus हाइड्रा जेल मॉइस्चराइजर एवोकाडो एंड 5 essentials सेरामाइड्स। मैंने इसको इसलिए परचेज किया है क्योंकि इसमें सेरामाइड्स हैं, एंड ये काफ़ी बड़ी पैकेजिंग है, 399 इसका MRP है, 200 gram इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है। सो ये काफ़ी अच्छा यू नो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, काफ़ी बड़ी है गाइस, एंड वाकई में ये नीचे से एवोकाडो के जैसे ही लग रहा है। सो यहाँ से ये खुलता है, एंड दिस इज द टेक्सचर, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है गाइस। आई मीन मेरी सिस्टर इसको यूज़ करती थी, एंड लुक एट दिस, मेरी सिस्टर इसको यूज़ करती थी, मैंने एक बार उसका ट्राई किया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसको बाय किया। और ये भी ना ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल पानी है, समर सीज़न के लिए बेस्ट है। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आप ढूंढ रहे हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, मेकअप करने से पहले आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो फिर आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया ये, मैं इसको यू नो अभी यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। इसका टेक्स्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब ये काम कैसा करता है वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं इसको यूज़ करूँगी, देखूंगी कैसा वर्क करता है कैसा नहीं, तब मैं आपको इसका फुल डिटेल रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट अगेन है एक्वालॉजिका का यू नो D10+ मुस्क हाइड्रेटिंग फोम क्लेंजर। ये चेरी टोमेटो और ग्लाइकोलिक एसिड के साथ आता है, सो दिस इज ऑल्सो अ फोम टाइप क्लेंजर, फेस वॉश आप इसको कह सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का है, एक्वालॉजिका का है। इसको भी मैंने ट्राई नहीं किया है, देखती हूँ ये कैसा है। ये बेसिकली आपके फेस को डिटैन करने का काम करता है, तो समर्स के लिए बहुत अच्छा है, मुझे टैनिंग हो जाती है तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ का ग्लो सेरम फाउंडेशन। गाइज ये फाउंडेशन ना बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है, आपको ये फाउंडेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये है, मैंने इन द शेड लिया है न्यूड ग्लो, जो कि मेरा परफेक्ट मेरे स्किन टोन से जाता है। अभी आपको लाइटिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, मगर उतनी गोरी मैं हूँ नहीं, तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, मैं फेयर टू मीडियम के बीच में हूँ। सो ये कुछ इस तरीके का है एंड दिस इज़ माई परफेक्ट शेड एंड बहुत अच्छा है गाइज। ये ना आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है एंड ग्लोई दिखने के साथ साथ ये मैटिफाई लुक भी देता है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली लगेगी, आपकी स्किन अच्छी लगेगी, इससे हेल्दी स्किन लगती है गाइज इससे। और इतने अच्छे से ये ब्लेंड होता है ना, एकदम बटर के जैसा ब्लेंड होता है गाइज। ये फाउंडेशन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट को बोलते हैं कि यू नो फेक है या फिर काम नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने मामा अर्थ के साथ अभी तक के कोई काम नहीं किया है। बस एक बार मुझे PR आया था, उसके बाद मुझे कभी मामा अर्थ से ना PR आया है, ना कभी स्पॉन्सरशिप मुझे मिली है। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट मैं मामा अर्थ की यूज़ कर रही हूँ, ये यूज़ कर रही हूँ, सब कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, वाइटामिन सी सीरम भी मैं यूज़ करती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क यूज़ करती हूँ। सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसका बॉडी वॉश भी बहुत अच्छा है, बॉडी लोशंस भी बहुत अच्छे हैं। सो पता नहीं लोग मामा अर्थ के बारे में से क्यों बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रांड ख़राब है, हो सकता है आपकी स्किन फ्रेंडली नहीं हो उस प्रोडक्ट से, तो इसीलिए आपको सूट नहीं कर रहा है वो। तो ऐसे डायरेक्टली यू नो क्लेम कर देना कि ब्रांड अच्छा नहीं है, वो मेरी समझ से तो बाहर है, लोग पता नहीं ऐसा कैसे कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज मामा अर्थ ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक, दिस इज इन द शेड क्रेम ग्लो। ये थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, तो मुझे ऐसा यू नो एक शेड ऊपर चाहिए था। इसकी ना एक अलग स्टोरी है, इसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको सबसे पहले मैंने purple.com से परचेज किया था, वो बिल्कुल टूटा हुआ आया, बिल्कुल टूटा हुआ आया, मैंने उसको रिफंड किया एंड मुझे रिफंड बैंक अकाउंट में मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने purple.com से मंगाया, फिर से मुझे टूटा हुआ आया। इस बारी ना पैसे रिफंड हुए, ना ही सामान गया, वो टूटे हुए को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो नायका पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है तो इसको यूज़ मंगा लेते हैं, हो सकता है नायका से ऐसे ना हो। लेकिन ये देखो आप, पूरा प्रोडक्ट लीक आया है, अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको कॉम्पैक्ट निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर भी वही हाल है, पूरा प्रोडक्ट ऐसा टूटा हुआ आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, अब मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगी। ये देखो आप, ओह गॉड, ये देखो आप, पूरा प्रोडक्ट ऐसा ना निकला हुआ टूटा हुआ टाइप का आया है। सो ये बहुत बड़ा गेम हो गया यू नो मेरे साथ, बार बार मैं इसको परचेज करती हूँ, बार बार ये टूटा हुआ आया है। इसको भी मैंने रिफ़ंड नहीं किया, मैंने रख लिया है, मैंने छोड़ो यार, या बार बार इसको रिफ़ंड करो, यूज़ करूँगी अब मैं, मामा का कॉम्पैक्ट मुझे लेना ही होगा तो मैं डायरेक्ट जाके शॉप से ले लूँगी, ऑनलाइन तो मंगाने वाली नहीं हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट इज मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट विटामिन सी सीरम, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्किन अगर आपकी डल ड्राई डैमेज है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, यू नो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मे का विटामिन सी फेशियल फोम, इसको मैं हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। ये मेरी 5th or 6th पैकेजिंग है, कुछ इस तरीके से है, ये फेशियल फोम है ये, इसमें आपको सिलिकन ब्रश मिल जाता है जिससे आप फेस को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है और स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को क्लीन करता है बिना स्किन को ड्राई किए हुए, और ऐसे ही फेस वॉशेस मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने लैक्मे के रिवाइटलाइजिंग शीट मास्क को मैंने स्टॉकिंग किया है। ये शीट मास्क मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, हफ्ते में एक बार शीट मास्क से अपनी स्किन को मैं पैम्पर करती हूँ, जो कि मुझे शीट मास्क बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्किन केयर प्रोडक्ट में आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं बोलूँगी मुझे शीट मास्क अच्छे लगते हैं, तो ये शीट मास्क मुझे बहुत पसंद है, फिलहाल मैं यही शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मे 9 to 5 वाइटामिन सी ओवरनाइट स्लीपिंग मास्क, इट्स अ मस्ट हैव स्लीपिंग मास्क। अगर आपको स्लीपिंग मास्क चाहिए, इन गर्मियों के मौसम में आपको हैवी नाइट क्रीम यूज़ करना नहीं पसंद है, जैसे मुझे नहीं पसंद है, तो आप इस स्लीपिंग मास्क के साथ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, आपके स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ स्किन को हेल्दी बनाता है, डलनेस को भी रिमूव करता है, इवन टोन भी करता है आपकी स्किन को। ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है वैसलीन का सन प्रोटेक्ट SPF 30 UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन सेरम इन लोशन। ये एक बॉडी लोशन है एंड
SPF 30 के साथ आता है, UVA UVB प्रोटेक्शन आपको देता है। तो गर्मी हो, विंटर सीजन हो, मॉनसून वेदर हो, घर पे हो, बाहर हो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए अपनी बॉडी पे भी, अपने फेस पे भी डे टाइम को। तो मैंने इसको यूज़ किया, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट वेट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसको रोज़ाना नहाने के बाद यूज़ कर रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। यू नो बहुत सारे ऐसे बॉडी लोशंस होते हैं ना जिसमें सनस्क्रीन होता है तो वो थोड़े बहुत यू नो वाइट का छोड़ते हैं और स्किन थोड़ी स्टिकी लगती है, मगर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ता है, और बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सन प्रोटेक्शन भी देता है, एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो ये बॉडी लोशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छी बड़ी पैकेजिंग पे ये मिल जाती है। इसकी MRP मैं आपको बता देती हूँ, 600 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है, MRP इसका 799 है, बट आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा विनायका पे, ज़रूर परचेज करना। नेक्स्ट मैंने लिया है चामिस का विटामिन सी डीप रेडियंस हैंड क्रीम। इस हैंड क्रीम को मैं सदियों से यूज़ करते चली आ रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। 150 और समथिंग के अराउंड में मुझे ये मिल गया था, 150 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। प्राइस मैं आपको इसका बता देती हूँ, प्राइस इसका 200 rupees, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, और अच्छे डिस्काउंट पे ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नायका पे मिल जाएगा। ओके, सो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किए हैं इस नायका पिंक फ्राइडे सेल हॉल में, और मैं ये सारे प्रोडक्ट आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइज, आप उनको ज़रूर ट्राई करिए। बट नायका का जो मामा अर्थ का जो कॉम्पैक्ट है ना, ये वाला, ये मत लेना, ये हो सकता है आपको भी टूटा हुआ आए, तो ये मैं आपको ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, ये नायका से भी मुझे टूटा हुआ ही आया है, तो ये आप मत खरीदना। बाकी सारे चीज़ें आप खरीद सकते हो, एंड सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो मुझे यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, एंड मुझे इंस्टा ट्विटर एंड फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा, सारे के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, दिल बाबा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मैं लड़खड़ा जा रही हूँ, यही होता है जब 2-3 महीना आप गायब हो जाते हो ना तो आपका फ्लो छूट जाता है, तो इसलिए गायब नहीं होना है, अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।